अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रूही न्यूज़ के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। रिपोर्ट मुरीद हुसैन तालपुर नुमाइंदा एबीएन न्यूज ट्राइबल एरिया डेरा गाजी खान के मुताबिक हालिया बारिशों से होने वाली तबाही से लोग अपनी जमा पूंजी और अपने घरों से महरूम हो गए हैं, मगर हुकूमती इकदाम धरे के धरे रह गए। हल्का पीपी 291 की बस्ती अता मोहम्मद खान तालपुर में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। कच्चे मकान मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गए हैं। इलाका मकीन अपनी जमा पूंजी से महरूम हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिशों की भी पेशीन गोई की गई, लेकिन गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश में इलाका मकीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। मकान गिर गए हैं, जो बचे हैं वो रहने के काबिल नहीं। हुकूमत पंजाब ने इस वक्त तक कोई इमदाद जारी नहीं की। लोग अपनी मदद आप के तहत अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। कच्चे घर बनाने भी मुश्किल हो गए। एमएनए सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने अपने हलका में आना भी गवारा नहीं किया, मगर एमपी के सरदार अहमद खान लगारी ने सरसरी तौर पर इलाका का दौरा किया, मगर उसके दौरा का कोई भी खास फायदा आवाम को ना पहुंच सका, क्योंकि कोई सरकारी एहलकार सर्वे के लिए नहीं आया और ना ही कोई बेघरों में टेंट या खेमे दिए और ना ही बस्ती अता मोहम्मद खान तालपुर में मेडिकल कैंप लगाया गया और ना ही कोई मच्छर मार स्प्रे किया। फर्जी मश्क के तौर पर डीजल और मोपल ऑयल का धुआं दिया गया, मगर मचाल है कि मच्छरों ने जाने का नाम ले रखा हो। गरीब लोग सारी सारी रात जाग कर गुजारते हैं। अहले इलाका फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि फेसबुक पर की जाने वाली बेइज्जती से परहेज किया जाए। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रूही न्यूज़।